बीजेपी की तरफ से जरूरतमंद महिलाओं की मदद की गई है। किरबी प्लेस में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरित किए। यहां कई जरूरतमंद महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया गया, साथ ही गैस चूल्हा भी भेजा गया है। और आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करीब 1 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को LPG गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। और वहीं दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में बीजेपी ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। रोहतास नगर की सामाजिक धार्मिक राजनीतिक संस्थाएं और मार्केट एसोसिएशन की तरफ से मंडोली रोड इंदिरा प्याऊ पर धरना दिया गया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी और रोहतास नगर विधायक जितेंद्र महाजन शामिल हुए। यहां भारी संख्या में जुटी महिला कार्यकर्ताओं ने नई आबकारी नीति का विरोध किया। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली सरकार रेवेन्यू कमाने के चक्कर में दिल्ली को नशे की गर्त में ढकेल रही है। हमारी पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं। आज उन्होंने इस सरकार की जो नई शराब नीति है उसके विरोध में एक जोरदार प्रदर्शन आयोजित किया गया है और इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई है। इसका विरोध करने के लिए मैं श्री जितेंद्र महाजन और महिला सामने बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैंने विधानसभा के अंदर भी इस शराब नीति का विरोध किया था और उस समय अरविंद केजरीवाल ने इस नई शराब नीति के बारे में आज यहाँ पर जो धरना किया गया है दिल्ली के अंदर जो नई शराब नीति केजरीवाल सरकार ला रही है। आज हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष दिल्ली की नई शराब नीति के विरोध में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेवेन्यू की आड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें दिल्ली के युवाओं की भविष्य नहीं दिख रहा है। वो युवाओं को नशे की लत में झोंकना चाहते हैं। वो दिल्ली के अंदर हर कॉलोनी के अंदर दो दो तीन तीन दुकानें खोलना चाहते हैं और तर्क भी उनके इतने खराब, इतने गलत हैं। एक तो उन्होंने समय बढ़ा दिया है, जो रात में वो सुबह तक पूरी रात खुलेंगे ठेके, हर वार्ड में खुलेंगे, उम्र घटा दी है पीने की, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। दिल्ली सरकार की जो नई आबकारी नीति है उसके विरोध में आज इस क्षेत्र की मार्केट एसोसिएशन, धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन सभी लोग मिलकर आज इस आबकारी नीति का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार रिवेन्यू कमाने के लिए दिल्ली को नशे के गर्त में धकेल रही है। केजरीवाल सरकार के आबकारी नीति का विरोध करने के लिए आज का ये धरना हुआ है और सरकार जो गली मोहल्लों में शराब की दुकान खोल रही है हम सभी लोग उसका विरोध करेंगे। मंडोली रोड पर एक दुकान खोलने की बात है, हम सभी लोगों ने, यहाँ के सभी सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने तय किया है किसी भी कीमत पर रोहतास नगर विधानसभा में कोई नई दुकान नहीं खोलेगी। और वहीं प्राइमरी हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है। जहां मोहल्ला क्लिनिक नहीं है वहां भी मोहल्ला क्लिनिक को खोला जा रहा है। इसी दिशा में कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार ने पुरानी कोंडली विधानसभा के बारातघर के पास मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया और इस अवसर पर विधायक ने कहा कि हमारा उद्देश्य दिल्ली के हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि इस मोहल्ला क्लिनिक के जरिए कोंडली और कल्याणपुरी के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही 200 तरह के टेस्ट और दवाइयां फ्री में उपलब्ध करवाई जाएंगी। आप लोग कहां से हैं सर? और वहीं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के तहत सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। और आपको बता दें ग्रेटर कैलाश के पार्क में अलग अलग जगह RWA की तरफ से सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में साउथ MCD जोन के चेयरमैन सुभाष बड़ाना, असिस्टेंट कमिश्नर मनीष मीणा के साथ नगर निगम के तमाम अधिकारी मौजूद रहे, जहां प्लास्टिक को यूज ना करने की सलाह दी गई। साथ ही अलग अलग स्टॉल लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। वहीं लोगों को स्वच्छता के लिए शपथ भी दिलाई गई। निगम की तरफ से अपने वार्ड में सफाई को लेकर अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को एक प्रमाण पत्र और गिफ्ट देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। सबसे पहले मैं SDMC का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उनके साथ में ITC
SSIL और SDM सर के जितने भी अधिकारी हैं, आज जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ किया गया है, जितने भी SDMC के अंदर जोन में RWS काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो क्षेत्र में स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था को अच्छा करते हैं। उन्हीं के साथ में जितने हमारे स्वच्छता सैनिक हैं उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि वो लोग भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और SDMC की तरफ से जितने भी हमारे सम्मानित करोना योद्धा हैं जिन्होंने करोना के समय पे अच्छा काम किया है, उन सबको SDMC सम्मान दे रही है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर जो स्वतंत्र भारत को स्वतंत्रता मिली है उस पर 75 वर्षीय कार्यक्रम पूरे इंडिया में मनाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने SDMC को भी इसमें जोड़ा और हम सब ने सारे स्वच्छ अभियान में जो भी कार्य करते हैं हमारे साथ RWS स्टाफ स्वच्छ एंटरप्रेन्योर्स उन सबको सम्मानित किया है ताकि ये अपना भरपूर सहयोग दें हमें और इस अभियान को हम सफल बना सकें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे जनतंत्र TV। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।